आपके सामने तीन विकल्प यहाँ पर रखे हैं नंदी साहब ने, बिकवाली उन्हें दिखती है बैंक निफ्टी में, 1000 पॉइंट का कट अगर आज आए तो उन्हें किसी भी तरीके की समझिए सरप्राइज नहीं होगा। आरबीएल बैंक जो ऑलरेडी 11% नीचे गिर चुका है, इस दिसंबर की एक्सपायरी में आपको 180 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 4-5% ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ा हुआ है। एयू बैंक में आपने 6.8% का कट देखा है दिसंबर की एक्सपायरी में, ओपन इंटरेस्ट में 5% की वृद्धि। इन दोनों ट्रेड्स पर आप जब बाजार खुले और ज़्यादा गैप डाउन हो तो उसको चेस करने की कोशिश ना करें। फिलहाल ये तीन बेरिश ट्रेड्स और बैंक निफ्टी पर व्यू देते हुए नंदी साहब। असित जी को जोड़ते हैं रणनीति उनकी निफ्टी पर, और कोई कन्विक्शन ट्रेड अगर उनके पास हो तो वो शेयर करेंगे। नमस्कार असित जी। गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग वीरेन जी, मॉर्निंग नंदी सर एंड मॉर्निंग टू एवरीवन पैनल। सर सर जैसे सर से मार्केट पोजिशन है, मुझे लगता है जब तक निफ्टी 17,100 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, वी आर लुकिंग एट मच लोअर लेवल। मैं 17,100 को लाइन इधर साइड करके रखूंगा कि जब तक यहाँ के क्लोज नहीं देता तो इट इज बियरिश। सो शॉर्ट टर्म में 17,100, थोड़ा मिड टर्म में 17,300 और इंटरमीडिएट में लेट्स से 17,500, दीज आर द लेवल्स दैट विल बी लुकिंग एट। बट बिलो 17,000 विच इज अ वेरी गुड साइकोलॉजिकल लेवल, मे बी वी आर गोइंग ड्रिफ्टिंग डाउन टुवर्ड्स 16,500। इट विल नॉट कम इट वन गो, मे बी इन ए वीक और टू, बट एट द सेम टाइम इट इज लुकिंग क्वाइट बैड। इससे सबसे बड़ा कंपोनेंट रहेगा निफ्टी बैंक, जैसे नंदी सर ने भी बताया इट इज लुकिंग वेरी वीक। सारे बैंक्स का स्ट्रक्चर काफी, प्राइवेट बैंक्स आई एम टॉकिंग अबाउट इज वेरी वीक। अगर निफ्टी प्राइवेट बैंक को देखेंगे इट इज अराउंड 18,122 विच इज हैविंग ए आरएसए ऑफ 32 फॉर बिलो द ईएमएफ 45। इसमें सपोर्ट इज अराउंड क्लोज टू 17,200। तो मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक विल ड्रैग डाउन द निफ्टी क्वाइट सिग्निफिकेंटली। एंड अगर निफ्टी का ब्रेथ देखेंगे quite a few quality stocks are below their 200 EMA. काफी 5-10 stocks are approaching their 50 EMA kind of thing. So the breadth of the market is definitely quite weak. So ये sell and rise रहेगा, इसको कोई भी कोई भी rally upside में रहेगा तो उसको buy नहीं करके sell करना चाहिए, keeping 17,100 as a stop loss. जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर बना है, स्पेशली HDFC बैंक, ICICI, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आई समहाउ थिंक कि ये चार बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को काफी नीचे लेके जाएंगे। सो आई एम बियरिश ऑन दी डेफिनेटली ऑन दी बैंक निफ्टी। एंड हमने फ्राइडे को 35,700 का पुट लेने के लिए बोले था, आई थिंक दैट विल डेफिनेटली गिव अस ए डिसेंट रिटर्न। But at the same time, I'll not be surprised to see bank nifty around 35,000. So that is a much bigger volatile negative move that we can expect from bank nifty. मैं आज के लिए कोटक बैंक में शॉर्ट जाना चाहूंगा। कोटक बैंक का शॉर्ट करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 18,20 फॉर अ टारगेट ऑफ 17,40, और 17,40 का पुट हम लेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 14 फॉर अ टारगेट ऑफ 35। इट वाज अ एसटीबीटी कॉल, बट एट द सेम टाइम टेक्सचर इज क्वाइट गुड इन टर्म्स ऑफ द डाउन साइड। इट हैज गिवन ए क्लोज बिलो 200 EMA, एंड मुझे लगता है कि जिस हिसाब से लास्ट महीने का लो को क्लोज दिया है, लास्ट वीक का लो को क्लोज दिया है ऑन फ्राइडे, इट हैज मोर रूम्स ऑन द डाउन साइड। एंड मुझे लगता है कि पोजिशनली वी माइट सी 1650 का लेवल्स इन कोटक बैंक। सो कोटक बैंक इज शॉर्ट फॉर टुडे एंड फॉर पोजिशनिंग आल्सो। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक आप शॉर्ट कर रहे हैं 1793 पर, और बहुत तगड़ा आप देखिए नेगेटिव व्यू को आपका बैंक निफ्टी पर है। चलते हैं महाराज जायसवाल जी के पास। महाराज जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए एक चीज तो बहुत क्लियर है वीरेन जी की जो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस है वहां पर बहुत सेलिंग प्रेशर है। और अगर आप फ्राइडे के सेशन में देखें तो एनबीएफसी में भी अगर आप देखें तो जो इंश्योरेंस कंपनीज थी वहां पर बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर अभी और प्रेशर देखने को मिल सकता है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और उनमें से एक आईसीआईसीआई जीआई है जहां पर स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 1400 के आसपास था, चाहे आप वो डेली चार्ट पे देखिए चाहे आप वीकली चार्ट पे देखिए, तो वो ब्रीच कर दिया है, उसके नीचे फिसल गया है। तो मेरा मानना है कि आईसीआईसीआई जीआई में अभी और गिरावट देखने को मिलेगी, करीब करीब 1280 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 1400 रुपए के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई जीआई में आप बिकवाली कर सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, और डिस्क्लेमर ये है कि इसमें ना ही मेरा पर्सनल पोजीशन है और ना ही अभी ये ट्रेड हमने अपने क्लाइंट्स को सुझाया हुआ है। ओके, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड सिसल 1378 पे, ऑप्शन ट्रेड यहाँ पर नहीं है, याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन पर लिक्विडिटी बहुत नहीं है, तरलता नहीं है। तो 1280 के लक्ष्य के लिए आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड
लगभग 60-70-80 रुपए का स्विंग पॉसिबल है यहाँ पे। ओके चंदन, गुड मॉर्निंग, आपका जो आप कन्विक्शन ट्रेड आज के लिए। गुड मॉर्निंग वीरू बासेल जी,